अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक और नए दिन का आगाज़ हो गया। नया दिन, नई उम्मीद, नई दुआएं, नई ख्वाहिशें। हर दिन के साथ साथ ना इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश और दुआ की लिस्ट में ना इजाफ़ा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं सोकर उठी थी, बड़ा अच्छा दिन था रमज़ान का, बड़ा पीसफुल मौसम भी है और पीसफुल जो है ना वो मंथ भी चल रहा है। मौसम भी बड़ा अच्छा है ना, जिसकी वजह से ज़्यादा सुकून वाला माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है ना अबूज़र को मैं वाशरूम में लेके आई थी, इसको चेंज करवाना था, तो बस उसी की जो है ना यहाँ पर ये तैयारी चल रही है। यहाँ पर साथ ही साथ मैं भी जो है ना अपने फेस की क्लिनजिंग कर रही थी। आजकल जो है ना मैंने रूटीन बनाई हुई है कि मैं अपनी स्किन केयर कर रही हूँ, डेली क्लिनजिंग करती हूँ। और मतलब कि आजकल जैसे रोज़े जा रहे हैं ना, वैसे स्किन केयर भी जा रही है, क्योंकि फिर ईद पे आप एक ही दफ़ा जब कुछ ना कुछ करते हो ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप डेली कोई अपनी स्किन केयर नहीं कर रही, अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, क्योंकि वो फिर अचानक से आप लोग अपने फेस पे कुछ ना कुछ अप्लाई करो, कभी एक्ने हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो ईद पे कोई ना कोई चांद सितारा आपके फेस पे नमूदार हो ही जाता है। इसलिए बेहतर होता है कि इंसान थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के तो डेली अपनी केयर अपनी रूटीन में शामिल करे, अपनी स्किन केयर स्पेशली, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है ना फिर हमारे लिए। आप 3 से 4 दिन अपनी स्किन केयर कर लेंगे ना, तो 5वें दिन आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि, क्योंकि फिर आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा होता है, आपको फ़ील हो रहा होता है कि नहीं, आपकी स्किन पहले से बहुत अच्छी हो गई है, पहले से बहुत बेहतर हो रही है, आप खूबसूरत लगने लग गई हैं, पहले से ज़्यादा मज़ीद ग्लो करने लग गई हैं। तो जब फेस पे ग्लो नज़र आता ना, फिर आप खुद बहुत मोटिवेट भी हो जाते हैं कि नहीं, हमें अपना ख्याल रखना है और हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर अबूज़र को चेंज करवा के अपने भी मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हुए थे, खुद चेंज करूँगी। और उसके बाद मैंने किचन में जाना था, किचन में जाके मैंने पकोड़ों का मिक्सर जो है वो रेडी करना था। उसके बाद जो है मैंने नमाज़ पढ़नी थी, नमाज़ के बाद दोबारा किचन में चले गई थी और मैं बना रही थी आलू वाले चावल, क्योंकि अब्दुल रहीम को नमकीन सब्जियों वाले चावल जैसे मर्ज़ी अब्दुल रहीम को खिला दें, सब्जियों वाले होने चाहिए, बॉयल्ड वो नहीं खाते, और सब्जियों वाले बिरयानी पुलाव ये उनको पसंद है। तो बस उन्होंने कहा था कि आज मैंने खाने हैं, तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं।
आज मैंने पकोड़े जो हैं वो दूसरी तरह से बनाए थे, मतलब कि इसमें ना मैंने बैंगन डाला था ना अंडा डाला था, बस ऐसे ही पालक और आलू लंबे लंबे काट के, तो बस मसाले जो मैंने डालने थे वो डाले हैं। और सिंपल जो है ना क्रिस्पी ऐसे बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं सिर्फ आलू और पालक के, वरना मैं दूसरी तरह भी बनाती हूँ, उसमें मैं प्याज अंडा और दूसरी कोई भी वेजिटेबल डालनी हो तो वो भी डाल लेती हूँ, उस तरह से भी बड़े मज़े के बनते हैं मुझे, लेकिन ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर बस आलू को मैंने अच्छे से भुना था, और ये मैंने एक लेग पीस अबूज़र के लिए इसमें डाला हुआ था कि उसको खिला दूँगी, लेकिन अबूज़र भी ना अपने मूड के हिसाब से खाता है, इसका मूड हो तो ये हर चीज़ खा लेता है, लेकिन अगर इसका मूड नहीं है तो आप इसके सामने जितने मर्ज़ी जतन कर लें, जो मर्ज़ी ले आएँ, इस बच्चे ने नहीं खाना। मुझे ऐसा लगता है शायद सभी बच्चे ऐसे करते होंगे। तो अब जब मैं इसके लिए तमाम नहीं ना करती जो घर में बनाओ तो ये खा लेता है, लेकिन जब पहले मैं इसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ बनाती रहती थी तो उसका नतीजा ये निकलता था ये खाता ही नहीं था और मैं डिसहार्ट हो जाती थी। तो अब मैंने जो है ना इसके लिए एहतमाम करने छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ जो है सोच रही थी कि रायता भी बना लेते हैं, क्योंकि रायता जो है वो चावलों के साथ अच्छा लगता है, तो बस रायता बनाएंगे। और यहाँ पर अम्मी ने जो है चिकन का सालन सहरी के लिए रेडी कर लिया था, बाकी सारे काम हमारे डन थे। तो बस यहाँ पर फिर पकोड़े बनने वाले रह जाएंगे। पकोड़े मैं 20-25 मिनट पहले बनाती हूँ ताकि जब तक अफ्तारी का टाइम हो तो वो गर्म भी रहें, ज़्यादा ठंडे भी ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सी दुआएं करें अपने लिए हमारे लिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।